अंत तक दृढ़ रहें। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 19 में लिखा है, इसीलिए कि मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे। जब हमारे अंदर अनंत जीवन है तो कितने ऐसे हजार शत्रु होते हैं जो इसे खत्म करने का प्रयास करते हैं। प्रलोभन के बाद प्रलोभन को सहना होता है, विवाद और संघर्ष पर संघर्ष होते हैं, अक्सर थकावट और कंपकपी की स्थिति तक आ जाती है, परंतु हमारे प्राण मसीह के वादों से पुनर्जीवित हो जाता है, क्योंकि उसने कहा, मैं जीवित हूं तो तुम भी जीवित रहोगे। और फिर यह आश्वासन कि मसीह का अनंत जीवन बनाए रखना चाहिए क्योंकि मसीह जीवित है, यह हमें विजय दिलाने वाली एकमात्र शक्ति है। जब भी हमारा आध्यात्मिक जीवन बहुत कमजोर हो और हम चाहते हैं कि यह मजबूत हो जाए, तो आइए हम जीवित मसीह के पास बल पाने जाएं। जब आपको लगे कि आप आध्यात्मिक रूप से मरने को हैं, तो पुनर्जीवन के लिए उद्धारकर्ता के पास जाएं। ये शब्द उस हाथ की तरह है जो हमें भंडार की ओर इशारा करता है। मसीह पर मनन चिंतन करें, मसीह पर विश्वास करें, विश्वास से अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की ओर निकट लाएं, और इस प्रकार आपके जीवन को एक दैविक प्रभाव होगा जिसे आपने पहले कभी नहीं पाया।